हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि मीशो देसवाल वाला स्टिकर डीजे में कैसे लगेगा। यहाँ पे जाट लिखा हुआ है, इसकी जगह मीशो देसवाल वाला स्टिकर कैसे लगा सकते हैं इस पे, जॉन डियर पे और स्वराज पे। यहाँ पे मीशो देसवाल वाला स्टिकर कैसे लगेगा, क्योंकि अभी अभी नया अपडेट आया है थोड़ी देर पहले, आपके में भी आ गया होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, आप अपना जो इंडियन सिमुलेटर 3D वाला ये जो गेम है उसको आप अनइंस्टॉल कर दो एक बार, और फिर इसको वापस से आप इंस्टॉल करोगे तो उसके बाद में आपका ये शायद मेरे हिसाब से अपडेट आ जाएगा। तो पहले हम आपको लगा के दिखाते हैं मीशो देसवाल वाला स्टिकर। तो चलो यहाँ से कस्टमाइज पे क्लिक करते हैं। कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद हमें मॉडिफिकेशन वाले ऑप्शन पे जाने के बाद हमें ट्रैक्टर मॉडिफिकेशन वाले ऑप्शन पे जाना है। और ट्रैक्टर मॉडिफिकेशन वाले ऑप्शन पे जाने के बाद में हमें इसको नीचे 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 चेंज करना है। यहाँ से देखो हम मीशो देसवाल वाले बम्पर भी लगा सकते हैं। यहाँ से ट्रैक्टर के आगे वाला बम्पर हम चेंज कर लेंगे, ओपन लोइन वाला, ये ड्रैगन वाला, ये ओपन लोइन वाला यहाँ से हो गया चेंज, इसको क्लोज कर लेंगे। और क्लोज करने के बाद में गाइस हम यहाँ से थोड़ा सा और नीचे चलेंगे ट्रैक्टर मॉडिफिकेशन के ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे। अब हम मीशो देसवाल वाला वो लगाएंगे यहाँ पे इसके ऊपर। ये देखो गाइस, यहाँ पे हमने मीशो देसवाल वाला स्टिकर आ जाएगा। ये कौन सा है, ये तो बड़े डीजे वाला आ गया। ये शंकर भगवान वाला स्टिकर भी अभी देखो नया आया है, शंकर भगवान वाला स्टिकर है। उसमें हनुमान जी और राम जी की फ़ोटो भी है। और उसके बाद में यहाँ पे ये जाट वाला स्टिकर आ गया, जो दोनों ट्रैक्टरों में सेम है। और ये देखो गाइस, ये देखो मीशो भाई वाला स्टिकर आ गया, मीशो देसवाल भाई वाला स्टिकर आ गया। मीशो देसवाल भाई की दो फोटो में अपडेट हुई हैं, एक ये और एक ये वाली। तो गाइस ये वाली मीशो देसवाल भाई वाली भाई की फोटो अपडेट हुई है। उसके बाद में मीशो देसवाल वाले भाई ट्रैक्टर में स्वराज में आगे बड़े वाले मोस्टर टायर थे, तो हम मोस्टर टायर भी लगाते हैं। व्हील्स पे क्लिक करना है हमें, तो उसके बाद में हमें यहाँ से हम मोस्टर टायर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए गाइस, मोस्टर टायर हो गए। उसके बाद में हमें बैक व्हील चेंज करने हैं, तो बैक व्हील चेंज करने के लिए हमें वापस से मॉडिफिकेशन पे जाके और नीचे नीचे जाना पड़ेगा, सबसे नीचे जाना पड़ेगा। और ये देखो चेंज बैक व्हील्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से हम बैक व्हील चेंज कर सकते हैं। तो हमें बैक व्हील्स ये वाले रखने हैं, जो बहुत खतरनाक वाइब दे रहे हैं यहाँ पे मीशो देसवाल वाले भाई के ट्रैक्टर की। और उसके बाद में हमें यही काम जॉन डियर में भी करना है, जॉन डियर में भी हमें पीछे वाला वो स्टिकर चेंज करना है मीशो देसवाल वाले भाई का। और इसकी इसके साइड में ये देखो हिंदू वाला स्टिकर भी लग गया, और ये मीशो देसवाल वाले भाई वाला स्टिकर भी लग गया। इसके बाद में हमें इसी ट्रैक्टर के अंदर वापस से लगाना है इसके भी टायर, हमें बड़े कर लेने हैं क्योंकि बड़े टायर मीशो भाई ने लगा रखे थे। और यहीं पर हमें इसका मीशो देसवाल वाले भाई के स्टिकर लगाना है। इसमें भी हम दोनों में अलग अलग फ़ोटो लगाएंगे। लेकिन गाइस जॉन डियर में अभी तक ये अपडेट नहीं आया है, ये अपडेट ओनली स्वराज के लिए आया है। जॉन डियर के लिए ये वाला अपडेट अभी तक नहीं आया गाइस, मीशो भाई वाला अपडेट जॉन डियर के लिए अभी तक नहीं आया है। ये अपडेट ओनली स्वराज 755 के लिए भी नहीं आया, ये स्वराज के लिए आया है ओनली। जॉन डियर में अभी वही बात है, ओनली ये अपडेट एक ही ट्रैक्टर के लिए आया है गाइस। चलो तो हम एक से ही काम चला लेंगे अभी, क्योंकि और अब देखते हैं दोनों भाइयों की जोड़ी कैसी लगती है, दोनों ट्रैक्टरों की जोड़ी। ये देखो गाइस यार, एक बार दोनों का टोचन करवा लेते हैं, क्योंकि जब तक टोचन नहीं होगा तब तक कैसे पता चलेगा असली टोचन किंग कौन है। तो चलो करवा लेते हैं हम टोचन अभी दोनों ट्रैक्टरों का, यहीं पे लगा के लिए मिट्टी के अंदर टोचन करवाएंगे ना, तो ज़्यादा थोड़ा सा खतरनाक लगेगा। यहाँ से हम टोचन करवा लेते हैं दोनों ट्रैक्टरों का, जॉन डियर और स्वराज का टोचन यहाँ से होगा असली ओपन लेवन, असली टोचन किंग कौन है गाइस। अगर आप मीशो देसवाल भाई के फैन हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि आज मैंने आपको बता दिया कि ये स्टिकर कैसे लगेंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। और यहाँ से हम देखते हैं कि असली टोचन किंग है कौन आज का। तो हम इस ट्रैक्टर को लगा लिए हैं, और अब इस वाले ट्रैक्टर को भी हम लगा लेते हैं, यहीं पे सीधा करके लगा लेंगे, और फिर इसमें टोचन वाली चैन लगाएंगे। मैं आपको टोचन वाली चैन लगाना भी बताऊंगा गाइस। इसमें जैसे इसको बैक लेंगे, जैसे जहाँ से इसको टोचन करना है तो इसके पास में ले जाएंगे, तो ये जो ब्लॉक वाला ऑप्शन है ये ऑन हो जाएगा। यहाँ से हम AI का ऑप्शन चालू करते हैं और ये इसमें चैन चालू हो जाएगी गाइस। इसके बाद में हमें AI मोड ऑन करके और टोचन कर देना है स्टार्ट। देखते हैं असली टोचन किंग कौन है, असली टोचन किंग गाइस। स्वराज खींच के लेके जा रहा है, ये देखो यार, स्वराज खींच के लेके जा रहा है, ये देखो स्वराज खींच के लेके आ गया है। और वो उधर से अब जॉन डियर भी खींचने लग गया थोड़ा थोड़ा। तो गाइस अगर आप मीशो देसवाल भाई के फैन हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब।